आदमपुर में होने वाले उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा के हिसार में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता कुलदेव बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं भव्य चुनाव लड़े, मैं लड़ना नहीं चाहता। कुलदीप का ये बयान तब आया है जब पंचकुला में बीजेपी आदमपुर और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी मीटिंग में सीएम मनोहर लाल के साथ स्टेट इंचार्ज और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब मौजूद रहे। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी इनको आशीर्वाद देकर टिकट देती है तो ये आदमपुर हल्के के लिए सौभाग्य होगा, क्योंकि ये तो चौधरी भजनलाल जी के अंश लोग इनमें देखते हैं। उन्हीं प्रकार की चुंबकीय शक्ति, उन्हीं प्रकार की लोगों के नाम याद रखने की क्षमता, उन्हीं प्रकार दिन रात ना थकने वाला उनका जुनून देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे शिक्षित राजनेता भव्य होंगे। स्कूल में इन्होंने पूरी कंट्री में टॉप किया, ट्वेल्थ में टॉप किया, कॉलेज में लंदन के अंदर टॉप किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लू ब्लेजर होल्डर रहे, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। इतना बड़ा शिक्षा वाला लड़का, मैं समझता हूँ नौजवानों को तो खास तौर पर भव्य का साथ देना चाहिए। वहीं जब पंचकुला में चल रही बीजेपी मीटिंग में कुलदीप से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो फैसला पार्टी के भरोसे छोड़ते हुए नजर आए। चुनाव का फैसला कौन लड़ेगा, हमारा नेतृत्व करेगा, मैंने आदमपुर की जनता की जो भावना है वो यहाँ तक पहुँचा दी। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पंचायतों के जिला चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कर रहे हैं। चुनाव पर चर्चा के साथ ही मीटिंग में सेवा पखवाड़े में किए गए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जा रही है। आने वाले दिनों में कार्यक्रमों की भी मीटिंग में योजना बन रही है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल को इलेक्शन इंचार्ज नियुक्त किया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार और प्रदेश सचिव सुरेंद्र आर्य को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट को भी जिम्मेदारी दी गई है। हिसार से अमित वर्मा और पंचकुला से रिजवान की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।